العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد وثناء کے بعد جیسا کہ معلوم ہو برات اور شعبان کی 15ویں شب قریب ہے. شعبان کی 15ویں شب شب برات کی رات والی, سعادت والی اور مغفرت والی اور محبت والی رات. اس رات میں جہاں تک ممکن ہو اس رات کو عبادت میں گزارا جائے, زندہ کیا جائے اور رات کی شب بیداری کی جائے اور رات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول ہوا جائے. سوال کیا گیا
शबे बरात को शाबान की 15वीं शब को कब्रिस्तान जाना हदीस से साबित है। सो मैंने मुनासिब समझा कि आज की जुम्मतुल मुबारक के खिताब का मौजू भी ये हो शबे बरात और मजारात पर हाजिरी और कब्रिस्तान जाना। जहां तक ये सवाल है तो उसका जवाब ये है कि न सिर्फ शबे बरात की रात बल्कि तकरीबन हर रात ये साबित है कि हुजूर सलाम जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है मदीना मुनव्वरा का, वहां तशरीफ ले जाते हैं। ये हर रात की रिवायत भी सिद्दीक़े कायनात सैयदतुना आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की है और ख़ास शाबान की 15वीं शब की रिवायत भी हज़रत सिद्दीक़े कायनात की है। जामे तिर्मिज़ी में इमाम तिर्मिज़ी नंबर अल्लाहु मरकज़हु ने सिद्दीक कायनात से बयान किया अनायशता कालत फकत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं रात को उठी और हुजूर सलाम को न पाया। फ़ैज़ा हुआ बिलबकी देखा कि हुजूर सलाम रात को जन्नतुल बकी में है। आपने सिद्दीक़े कायनात को देखा फ़क़ाल फरमाया अकुन्ते तखाफीना अन यहीफ़ल्लाहु अलैके व रसूलुहु। आयशा क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पे जुल्म किया होगा। कालत या रसूलल्लाह सिद्दीक़े कायनात ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ज़नन्तु अन्नक आतैत बाद निसाइक मैंने ये ख्याल किया ये समझा कि शायद आप किसी और ज़ौजा के पास और बीबी के पास तशरीफ ले गए। फ़क़ाल फरमाया हुज़ूर सलाम ने आयशा इन्नल्लाह तआला यन्ज़िलु ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا کہ اللہ تعالی تجلی فرماتا ہے۔ تجلی کا معنی اور نزول کا معنی یہاں ہے اسپیشل اٹینشن، بولیے کیا؟ خصوصی توجہ، خاص توجہ، اسپیشل اٹینشن۔ اللہ تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، خاص توجہ اور اسپیشل اٹینشن فرماتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو، شب برات کی رات کو، فیغفرو لأکثر من عدد شعر غنم قلب۔ तो ये कल एक कबीला है ट्राइब है अरब में और उनकी बहुत ज़्यादा बकरियाँ होती थी, कल की बहुत ज़्यादा बकरियाँ होती थी। तो हुज़ूर सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात को कबीले बनू कल की बकरियों से भी ज़्यादा और कबीले बनू कल के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा मेरी उम्मत को बख्शता है। उम्मत की बख्शिश होती है, उम्मत की बख्शिश होती है। इस हदीस से शबे बरात की रात कब्रिस्तान जाना साबित हुआ। लेकिन ये बात जहन में बिठा लें कि कब्रिस्तान जाने के कुछ आदाब होते हैं, एटिकेट्स होते हैं कब्रिस्तान में जाने के।
दो तरीके हैं, एक तरीका गलत है और एक सही है। सही तरीका वो है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है, और गलत वो है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हटकर है और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ है। सो आज आप सुने कि कब्रिस्तान जाने का सुन्नत तरीका क्या है, और कोशिश करें कि कब्रिस्तान जाना आना उस सुन्नत के मुताबिक हो, और मज़ारात पे भी जाना आना हुज़ूर सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत के अलावा जो तरीके हैं और हदीस के खिलाफ जो तरीके हैं, उन सबको ख़त्म कर दें और उन सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तब जाकर औलिया का और मज़ारात का फैज भी मिलेगा और कब्रिस्तान जाने का या मज़ारात पे जाने का फायदा भी होगा। अगर चाहते हो कि जो साहिब मज़ार है उसका फैज मिले, कब्रिस्तान जाने का फायदा हमें भी हो और कब्रिस्तान वालों को भी हो, तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जाओ और हुजूर सलाम की सुन्नत के मुताबिक फिर लौट कर आओ। इब्ने माजा में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसको रिवायत किया, हुजूर सलाम ने फरमाया, कुंतुम नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुल आख़िरा। लोगों, मैंने तुम्हें मना किया कब्रों पे जाने से, इस्लाम की इब्तिदा में हुजूर इस्लाम ने मना किया था मज़ारात पे और कब्रों में जाने से, हुजूर इस्लाम ने पहले मना किया था। फरमाया, मैंने मना किया था कब्रों पर और मज़ारात पे जाने से, अब मैं इजाज़त देता हूँ कि जाओ कब्रों पर और मज़ारात पर, उनकी ज़ियारत करो और विज़िट करो कब्रिस्तान पर, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने के दो फायदे होंगे। एक फायदा होगा ज़ुहद का, तकवा, परहेजगारी और पाइटी। जब कब्रिस्तान जाने वाला कब्रिस्तान जाएगा और सोचेगा कि एक दिन मुझे भी इन कब्रों में आना है, तो उसमें तकवा पैदा होगा, परहेजगारी पैदा होगी, अल्लाह से डरेगा, अच्छे काम करेगा। और फरमाया, एक फायदा ये होगा तो ज़िक्र आखिरा, कब्रिस्तान पे आने वाले को आखिरत याद आती है, इसलिए कि दुनिया है और दुनिया के बाद फिर आलम बरज़ख कब्र है और कब्र के बाद फिर आखिरत है, कब्र के बाद फिर आखिरत है। तो कब्रिस्तान या मज़ारात पे जाना इस तरह हो कि ज़ुहद और तकवा भी पैदा हो और आखिरत की याद भी आए, आखिरत की याद भी आए। और बहकी में, इमाम बहकी ने शोब ईमान में हदीस पाक बयान की, हुज़ूर सलाम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्र अबवैह औ अहदहुमा फी कुल जुमअतिन गुफिर लहू व कुतिब बर। फरमाया कि जो शख्स हर जुम्मे को अपने माँ बाप या बाप बाप में से किसी एक की कब्र पे जाएगा, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, उसके गुनाहों को मिटा दिया और उसके नाम अमाल में ये लिखा जाएगा कि ये जाने वाला नेक है और अच्छा है। उलमा ने बयान किया कि जब माँ बाप का विसाल हो जाए तो एक तो उनकी कब्र पे जाया करो और एक उनके जो दोस्त हैं उनसे अच्छा बर्ताव सलूक किया करो, एक उनके लिए फातिहा पढ़ा करो,
और उनके लिए दुआ किया करो, दुआए मगफिरत, दुआए इस्तिगफार। तो इस हदीस से यह साबित हुआ कि जो शख्स मां बाप की कब्र पे जाएगा या किसी एक की कब्र पर, या फर्ज करें मां बाप की कब्र उसमें ना हो, वो शख्स इंडिया का है, पाकिस्तान का है, मॉरिशस में रहता है, मां बाप तो वहां है, तो हर जुम्मे को कैसे जाएगा, हर जुम्मे को कैसे जाएगा, तो इशारे सवाब किया करें और दो रकात नफल पढ़ लिया करें उनके इशारे सवाब के लिए। इंशाल्लाह जो सवाब कब्र पे जाने का है वो इंशाल्लाह इशारे सवाब से मिल जाए। हदीस पाक में है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, जामे तिर्मिज़ी में है कि अन इब्ने अब्बास النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل بوجهه عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر। حضور السلام کا گزر ہوا مدینہ منورہ کے قبرستان سے और मदीना मुनव्वरा की कब्रों के पास से हुजूर का गुजर हुआ। जब आपका गुजर कब्रिस्तान से और मदीना मुनव्वरा की कब्रों के पास से हुआ तो हुजूर सलाम ने अपना रुख अनवर, अपना मुबारक चेहरा कब्रिस्तान की तरफ मोड़ा और कब्रिस्तान की तरफ फैला। और क्या खुशनसीब है उस कब्रिस्तान में दफन होने वाले कि ताजदार कायनात ने अपना चेहरा उन कब्रों की तरफ मोड़ा, उनकी तरफ रुख किया और हुजूर सलाम के रुख करने से उस वक्त कितना नूर पैदा हुआ होगा कब्रों में और कितना उजाला हुआ होगा। फिर हुजूर सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर, कब्र वालों तुम पर सलाम हो, फिर अल्लाह लना वलकुम, अल्लाह हमें बख्शे और तुम्हें भी अल्लाह बख्शे, अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, तुम हमसे आगे चले गए और हम पीछे आने वाले, हम पीछे आने वाले। इस हदीस में बाज आदाब और एटिकेट्स बयान हुए कब्रिस्तान पे और मजारात पे जाने के। पहला यह है कि जब इंसान कब्रिस्तान में दाखिल हो तो वो सलाम करें, बोलिए क्या सलाम करें। हुजूर सलाम ने भी सलाम किया और सहाबा जब जाते थे तो वो भी सलाम करते। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुर्दे हैं वो सलाम सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। मसला ये है कि सलाम उसको किया जाएगा जो सलाम सुने भी और सलाम का जवाब भी दे सके। सलाम न सुन सके उसको भी सलाम नाजायज है और जो सलाम सुन सके लेकिन जवाब न दे सके उसे भी सलाम नाजायज है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स सो रहा है, बोलिए क्या सोते में वो सुनेगा सलाम, तो सोते हुए शख्स को सलाम करना मना है इसलिए कि वो सुन न सके। और एक शख्स नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ने वाले को भी सलाम मना है इसलिए कि वो सुन तो सकता है लेकिन जवाब बोलिए नहीं दे सकेगा। तो ताजदार कायनात जब भी गए, ख्वाब वो जन्नतुल बकी में, जन्नतुल मुआल्ला में या फिर शुहदाए उहद के पास, जहां जहां गए मजारात पर और कब्रिस्तान में, हुजूर सलाम ने सलाम किया। साबित हुआ कि उन्होंने हुजूर सलाम के सलाम को सुना भी और सलाम का जवाब भी दिया। और खुश नसीब हैं वो मुर्दे, खुश नसीब हैं जिन्हें ताजदार कायनात ने सलाम किया। उम्मत हुजूर को सलाम करती है और उन खुश नसीबों को हुजूर ने सलाम किया। उम्मत हुजूर पे सलाम पढ़ती है और हुजूर सलाम ने उन खुश नसीबों पे सलाम पढ़ा, उन खुश नसीबों पे सलाम पढ़ा। एक फिर एक और आदब यहां से ही साबित हुआ, हुजूर सलाम ने उसके बाद दुआ की तो
हो, जो कब्रिस्तान में वली हो या आम मोमिन हो, उनके लिए दुआ की जाए, दुआएं मगफरत बख्शिश की दुआ की जाए और उनके दर्जात के बुलंद होने की दुआ की जाए। और फिर हुजूर सलाम ने फरमाया, बहुत शानदार जुमला है, फरमाया कि कब्र में दफन होने वालों तुम आगे चले गए और हम आ रहे हैं अभी पीछे, शायद उन मुर्दों को हुजूर का इंतजार होगा, हुजूर का इंतजार होगा। ये जुमला हम भी कहेंगे लेकिन फर्क है, ताजदारे कायनात ने फरमाया तो शायद उन मरने वाला सहाबा को और अहले ईमान को मुस्तफा का इंतजार हो, और हुजूर ने फरमाया कि तुम चले गए, हम आने वाले, हम आने वाले। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नादान से सवाल किया गया कि क्या जन्नतुल बकी में दफन होना और किसी और आम कब्रिस्तान में दफन होना बराबर है या जन्नतुल बकी की कोई फजीलत है, उस नादान ने जवाब दिया बराबर है, ख्वाह कोई जन्नतुल बकी में दफन हो या कहीं और दफन हो। लेकिन वो नादान इन अहादीस को या तो पढ़ न सका या फिर समझ न सका। जिस जन्नतुल बकी में ताजारे कायनात सुबह भी जाते हो, शाम को भी जाते हो, दिन में भी जाते हो, रात को भी जाते हो, जिस कब्रिस्तान में ताजारे कायनात के सबसे ज्यादा कदम पड़े हो, तो वो और कब्रिस्तान के बराबर कैसे होगा? क्या अल्लाह की गैरत को ये गवारा होगा कि वो कब्रिस्तान और इसके अलावा दूसरे कब्रिस्तान बराबर हो जाएं, सेम हो जाएं? जन्नतुल बकी की बात ही अलग है, जन्नतुल बकी की बात ही जहां शब और रोज ताजारे कायनात है, बार बार हुआ। और मैं ये बता दूं कि मुर्दा ना फकत सलाम सुनता और जवाब देता है बल्कि आने वाले को जानता पहचानता भी है, देखता भी है। तो शायद ऐसा हो कि रात में जन्नतुल बकी वाले सहाबा अलीमान हुजूर के दीदार के लिए तड़पते हो और हुजूर उनको जलवा दिखाने के लिए तशरीफ ले जाते थे, इसलिए कि आशिक कभी रात को तड़पता है, कभी रात को तड़पता है, मचलता है। तो खुश नसीब है जन्नतुल बकी वाले कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, उनको भी दीदार हो गई। जो जिंदा थे उनको तो मस्जिद नबवी में हुआ, मदीना मुनव्वरा की गलियों में हुआ, मक्का मुकर्रमा में हुआ, लेकिन जो वफात पा गए वो भी हुजूर सलाम के दीदार से महरूम न हो गए, उनको भी हुजूर सलाम का दीदार हुआ। और एक और रिवायत है, हुजूर सलाम ने फरमाया, वो सही मुस्लिम की है, काना युअल्लिमुना इज़ा खरजू इलल मकाबिर अस्सलामु अलैकुम अहलद्दार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ کہ حضور علیہ السلام ہمیں سکھاتے تھے، صحابہ کو حضور علیہ السلام سکھاتے تھے، جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو اور یوں کہو کہ مسلمانوں، مومنوں، گھر والوں، اب یہ تمہارا گھر ہو گئے۔ हुज़ूर सलाम ने कब्रिस्तान को और कब्र को घर कहा, बोलिए क्या कहा, घर कहा, ताकि कोई नादान ये ना समझे कि अब तो मर गए, खत्म हो गए, मिट गए। इसलिए कहते हैं, कौन कहता है अल्लाह वाले मर गए, वो जिंदा है, अपने घर गए, बस एक घर से दूसरे घर चले गए। ये वली की मौत होती है, मोमिन की मौत होती है। घर तब्दील हुआ, बोलिए क्या, घर तब्दील हुआ, लेकिन मरने वाला ना तब्दील हुआ ना होगा। जिसके सीने में हुजूर का नूर हो और हुजूर का इश्क हो, वो सीना कभी खाक ना होगा और कभी मिल या मेट ना होगा और कभी ना वो गलेगा ना कभी सड़ेगा। ये हुजूर सलाम के इश्क की और हुजूर सलाम के इश्क के नूर की शान है, इश्क के नूर की शान है। आपने फरमाया, इसके बाद यूं कहो कि इंशाअल्लाह
हम भी तुमसे आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। और ये कहो कि हम अल्लाह ताला से अपने लिए भी और आपके लिए भी माफियत आफियत मांगते हैं और अल्लाह ताला की रजा मांगते हैं। आफियत का माना यहाँ रजा है। तो हमें भी चाहिए कि जब हम कब्रिस्तान में दाखिल हों सलाम करें। आला हजरत ने अल्लाह नबविया फिल फतावा रजविया में बयान किया जो आदाब हमने मजार पे लगा दिए तफसील से, फरमाया कि जब कोई किसी मजार पे जाए तो कब्र की तरफ से जाए और उसके चेहरे की तरफ खड़ा हो, कम अज कम चार हाथ का फासला हो। आला हजरत ने फरमाया कम अज कम चार हाथ का फासला, और फिर सूरह फातिहा पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, तबारक अल्लज़ी पढ़े, सूरह इखलास पढ़े। और खास तौर पे सूरह इखलास और सूरह यासीन का पढ़ना हदीस में आया, हदीस में आया। हजरत अमीर मोमिनीन सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन अली قال من مر على المقابر وقرأ قل هو الله احد 11 مره ثم وهب اجره للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات। कि जो शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजरा और उसने 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा और फिर उसका सवाब उस कब्रिस्तान में दफन होने वालों को बख्शा। फरमाया उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे दफन होंगे उतना सवाब उस पढ़ने वाले को मिलेगा। तो जब जाएं तो इस हदीस के मुताबिक 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करें, क्योंकि जब आप कुरान में लग जाएंगे, जिक्र में लग जाएंगे, दुरूद में लग जाएंगे, इस्तिग़फ़ार में लग जाएंगे, तो जितने गलत काम हो रहे हैं और होते हैं खुसूसन शब बरात, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मन दखल अल मकाबिर फ़क़रा यासीन कान लहू बिअदद मन फीहा हसना। इमाम जराज़ी सुयूती नंबर अल्लाह मरकदहू ने शर्ह सुदूर में इन रिवायात को बयान किया। फरमाया कि जो शख्स कब्रिस्तान गया और उसने कब्रिस्तान जाकर सूरह यासीन की तिलावत की, सूरह यासीन को पढ़ा, तो फरमाया उस सूरह यासीन के पढ़ने वालों को उतनी नेकियां मिलेंगी जितनी नेकियां उस कब्र में जितने लोग दफन होंगे, जितने लोग दफन होंगे वो 100 हों, 200 हों, हजारों हों, लाखों हों। फरमाया जितने लोग दफन होंगे उतनी नेकियां सूरह यासीन पढ़ने वाले के नामे अमाल में लिखी जाएंगी। सूरह यासीन भी पढ़ लें और तबारक अल्लज़ी भी पढ़ लें, और खास ये सोचें कि एक दिन हमें भी इस कब्र में आना है और इस कब्र में अपने अमाल का जवाब देना है। फिर क़यामत का दिन होगा, हशर बपा होगा, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार कायनात तक सारे नबी होंगे, हर उम्मत होगी। अगर खुदा ना खास्ता सबके सामने पर्दा खुला और रुस्वा हो गए, जलील हो गए लोगों, क्या होगा? हम भूल गए कब्र को, हम भूल गए आखिरत को, हम भूल गए ताजदार कायनात से क़यामत के दिन मिलने को। ये रातें इसलिए हैं, ये रातें इसलिए होती हैं कि मना लो अपने रब को, अपने मुस्तफ़ा को, और दुआ करो मौला बरोज़ क़यामत हुज़ूर सलाम के सामने शर्मसार होने से बचा ले, हुज़ूर सलाम के सामने नादिम होने से बचा ले। वमा अलैना इल्ला बलाग।